मतलब मैं दिल से गाती हूँ, बट नेसेसरीली मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। यस डर था यार। ओह आई एम सो ग्लैड ही नोज़ माय नेम। यस अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई डोंट नो दे विल नो मी। आई वांटेड टू से दैट यू लुकिंग मोर प्रिटी एंड सो यार। ओह थैंक यू। माइक डिड कैच दैट। आई होप योर माइक विल गेट इट। होप माइक विल गेट इट। यही है। हाय राशि, वेलकम टू बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया यार। कांग्रेचुलेशंस, वन डेकेड इन द इंडस्ट्री। यस, दिस इयर अमेजिंग, सो कूल बॉस। या कैसा लगता है, ऐसा लैंडमार्क झंडा गाड़ दिया टाइप्स? आई मीन ऐसा लगता नहीं है कि 10 साल हो, ऐसा लगता है अरे अभी तो स्टार्ट किया था। ऐसा क्या? हां, और स्पेशली हिंदी में तो अभी तो फर्जी आई है, लाइक यू नो इट्स वेरी लाइक न्यू, इट्स वेरी लाइक अभी तो आई हूं। So I don't want to feel like अरे decade हो गया, तो और बहुत कुछ करना है। फर्जी आपने बोला, फर्जी या सैलाब आया क्या ऐसा कॉल्स का? सैलाब आया। हाँ, I mean मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया, मतलब मैं तो हैरान हो गई कि अच्छा, मतलब मुझे पता था अच्छा तो करेगी, कहीं ना कहीं दिल में पता होता है एक्टर को यार ये अच्छा करेगी नहीं करेगी, समवेयर यू नो व्हेन यू आर शूटिंग, तो मुझे पता था ये अच्छा तो करेगी, पर कितना अच्छा करेगी वो नहीं पता था। ऑफ कोर्स, लेकिन और मुझे ये था कि उसमें शाहिद भी हैं, उसमें भुवन जैसे एक्टर है, उसमें केके मेनन है, उसमें विजय सेतुपति है, तो मैं चाहती थी कि यू नो आई शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन माई ओन, बिकॉज बहुत आसान होता है इतने सारे बहुत बेहतरीन एक्टर्स के साथ, आप यू नो यू माइट नॉट बी एबल टू मेक अ मार्क बिकॉज दे आर सो गुड एंड सो स्ट्रॉन्ग। I know what you mean. Yeah, but I think I'm glad कि लोगों ने notice किया and you know that इतना प्यार भी दिया, not just from people but also from the industry which was very overwhelming. सवाल। But suddenly आपको उसमें मुंबईया भाषा की वो मिली होगी एक whiff। देखो मैं जब shoot कर रही थी तो मैं तो तमिल के उसमें थी, because सेतुपति सर के साथ, you know I would talk in Tamil sometimes and we would talk in Hindi sometimes. Oh wow. और set पे बहुत अच्छा था, because सेतुपति सर के साथ मैं तमिल में बात करती थी और राजन डी के सर तो तेलुगु है। हाँ जी। तो उनको लगता था अरे हम तेलुगु में बात करेंगे किसी को समझ नहीं आएगा, मैंने कहा देखो मैं यही बैठी हूँ मुझे सब समझ आती है। So you must be, have you visited Old City और आपने वहाँ पे? अम्मा, मैं Old City वाला मामा। Oh, Old City boys। Oh my God, you sound just like Telugu। कामनगला। I feel like this is very homely situation। देखिए, हमारे बहुत अच्छे audiences वाले लोग ना बहुत अच्छे हैं। अच्छा। 1000 comment करने पे हम इनसे हैदराबाद मिलेंगे। ठीक है, done, guys। ठीक है। If you want them in Hyderabad, he'll get more actors. Yes. And they talk and they love it. I think Hyderabad people and in general AP, Telangana, all of these people love their actors so much. Yeah. I mean, आप एक को भी ले आओगे ना, वो इतना प्यार देंगे, because they really want to get to know their actors, जो south में इतना होता नहीं है। यहाँ हम लोग वर्षों से निकल रहे हैं, पहले तो यहाँ की कोई कहानी हो तो बता दो, फिर दिल्ली की कहानी बताएंगे। तो आई थिंक मैं यहाँ पहले आई थी तो मैं 4 बंगलोज में रहती थी। अच्छा, तो राइट साइड में? नहीं, पीछे ही, जहाँ से हम आ रहे हैं। अच्छा, हम वहीं पे उधर ही, एक्चुअली 7 बंगलोज में रहती थी, इधर पीछे बद्रीनाथ टावर के ऑपोजिट में रहती थी। आई थिंक मैं एक साल हम लोगों ने, मैं और मेरी एक दोस्त थी, हम साथ में रहते थे, तो एक साल हम लोग वहाँ रहे, और एक साल में मैं बहुत ही रेयरली बॉम्बे में होती थी, मैं हमेशा साउथ में ही रही मोस्टली। ये आपकी वो वानी कपूर दोस्त नहीं है? जी, वानी है। ये वानी की बात हो रही है, बिकॉज ये इतना टाइम से हम दोस्त हैं। हाँ, आई थिंक बहुत साल हो गए यार, मोर देन अ डेकेड। ऐसे नाम तो बता देने चाहिए ना। ये क्या नहीं, मुझे लगता है हर बार बेचारी उसका नाम ले लेके मैं बोलती रही थी वहाँ वानी थी, बट हाँ वानी और मैं, हम लोग एक्चुअली उसे एक्टर बनना था शुरू से। हाँ। मेरे को एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको, उसने सोचा चलो मैं यू नो मैं आती हूँ बिकॉज आई वांट टू बी एन एक्टर एंड ऑल, तू भी चल। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही बिकॉज मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे आगे यू नो मेरी एक जॉब आ रही है, देन आई हैव टू मास्टर्स एंड ऑल। तो थैंकफुली उस टाइम जून जुलाई टाइप पीरियड था और हमारी समर थी और यू नो थर्ड ईयर मैंने जस्ट पास किया था, तो मैंने कहा चलो अभी छुट्टियाँ हैं, तो मैंने पेरेंट्स से पूछा, हमारे पेरेंट्स वेरी एक्साइटेड थे, वाला अरे घर पर पढ़ाई करती रहती है, एटलीस्ट बाहर निकलेगी घर से। लाइक बेटा तुम जाओ और 2-3 महीने बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीने लगा लेना, वापस आ जाना, तुम्हें तो कुछ मिल जाएगा। आई वाज एक्चुअली अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। यस, आई नो यू टॉप्ड योर 12th। तो दे वर लाइक आप जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। तो मैं आई बॉम्बे में, पढ़ाई के अलावा और कुछ करके दिखाओ। हाँ, तो मैं बॉम्बे आई और मैंने
पहले ऑडिशन से तो मैं भाग गई क्योंकि मुझे लगा बहुत लोग हैं, मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं बहुत शाय थी. बट आई थिंक थैंकफुली मेरे लिए जब भी मैंने ऑडिशंस दिए मुझे वो एड्स मिल गई. वाह यार, पता नहीं, आई मीन आई थिंक इट वॉज डेस्टिन क्योंकि मैंने कभी सीखी नहीं थी एक्टिंग करनी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. बट जैसे ही कैमरा ऑन होता था ना मैं बहुत नेचुरल, मतलब आई फेल्ट एट होम. मुझे समझ नहीं आती थी यार ये कैसे है. तो पहले ऑडिशन से मैं भागी, उसके बाद फिर मेरी एजेंसी ने बोला अब हम आपको सिलेक्टेड ऑडिशंस पे भेजेंगे. तो सिलेक्टेड ऑडिशन एजेंसी लेके चल रही थी आप? एक्चुअली कॉलेज में मैं मॉडलिंग करना शुरू हुई और वही एजेंसी यहाँ पे भी थी बॉम्बे में भी. तो उन्होंने बोला अब आप बॉम्बे आ गए हो तो हम आपको ऑडिशंस पे भेज देते हैं. तो मैंने कहा चलो पॉकेट मनी कमा लूंगी, थोड़ा टाइम तो हुई यहाँ पे. बट LSR में रहते रहते आप यहाँ थी, ये कैसे हो रहा था? नहीं नहीं, LSR से जब LSR में मैं मॉडलिंग कर रही थी वीकेंड्स पे, उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया वानी के साथ कि मैं यहाँ आती हूँ तो मैंने अपनी एजेंसी को बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ. हमें हमारे आते ही मुझे मद्रास कैफे मिल गई और उसे उसने YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. तभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि यार फक YRF, मतलब अभी तो तेरी जिंदगी सेट है, ऐसा सोची आप? आई थिंक हाँ, मतलब अगर हम दिल्ली से आते हैं ऑफ कोर्स यू नो हम लोगों ने इतनी बॉलीवुड फिल्में देखी है, हमारे लिए बॉलीवुड इज लाइक ओ वाओ, लाइक यू नो सबके लिए होता है, सबको मूवीज बहुत पसंद होती हैं बचपन से ही. और 90s की इरा में तो लाइक शाहरुख खान, ओ माय गॉड सलमान खान, एंड यू आर अ शाहरुख फैन एज़ वेल. या आई एम, सो आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान, स्टिल आई एम, बट बिकॉज़ वी आर 90s किड्स. We are manifesting here that he comes on this show right now because of you. Yeah, yesterday only I was like, अरे ऐसी कोई फिल्म आ जाए where someone like Shahrukh Khan falls in love with someone like me, like a very like ऐसी movie भी आएगी ना तो मैं तो कर लूँगी, like you know, I will do it, like आप भी manifest कर रहे हो, हाँ. मुझे बस एक picture में डाल दो Shahrukh Khan के साथ. उसके बाद I think फिर वही Bollywood का था, and then मुझे तो एक्चुअली मद्रास कैफे की भी स्टोरी है दैट मैंने सोचा नहीं था मैं कभी फिल्म्स में जाऊंगी, ना मैं जाना चाहती थी बिकॉज मेरा कोई गॉडफादर नहीं था. आई वाज लाइक मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं मिडिल क्लास से हूँ, आई हैव टू हैव अ स्टेबल लाइफ. तो जब मुझे ऑडिशन भी आया था मद्रास कैफे का तो मैंने मना कर दिया जाने से कि मुझे क्यों लेंगे, मैं नहीं जाती, रहने दो, लाइक यू नो मैं नहीं जा रही. फिर एक और बार कॉल आई मैनेजर की, आई यू श्योर? मैंने कहा नहीं, मतलब जॉन के साथ क्यों लेंगे मुझे. आई वाज लाइक अंडर सेलिंग माय ओन सेल्फ कि मुझे क्यों लेंगे, मैं नहीं कर रही, रहने दो, मैं जा रही हूँ वापस, यू नो हैव टू स्टडी एंड हैव टू डू दिस एंड दैट. फिर तीसरी बार मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला अरे आप आती क्यों नहीं हो, लाइक यू नो यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. आई सेड ओके सर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं चली गई. मैंने ऑडिशन दिया, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फाइनेस्ट ऑडिशन ऐसा मुझे लगता है. और यार राइजिंग सन में आई थी, राइजिंग सन, यहाँ से सीधा है कि लेफ्ट कैमरा उधर पैन किया जाए, हम जू सर्कल आज जा नहीं रहे, यहाँ से दिखा रहे हैं जू सर्कल. तो मैंने फिर वहाँ पे ऑडिशन दिया और मुझे कॉल आ गई सुजीत सर की, तू रेडी है? मैंने कहा सर, इज लाइक यूर ऑन बोर्ड. आई सर है आई मीन इज इट दैट इज बिकॉज आई नो पीपल जो बहुत स्ट्रगल भी करते हैं यू नो. तो आई वॉज लाइक मे बी ओके लेट मी गिव दिस अ शॉट. एंड देन स्पोक टू माई फैमिली, देवर लाइक वट एवर मेक्स यू हैप्पी, जो तुम्हें लगता है. एंड माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक ये तो दिमाग वाली है, अगर ये नहीं तो कुछ और ना कुछ कर लेगी, यू नो शी इज स्मार्ट चाइल्ड. सो आई लाइक ठीक है चलो मैं घुस जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है. पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है. दिल्ली में जिंदगी कैसी थी? लाइक वर यू ऑलवेज सेल्फ फ्री की और वर यू अ फूडी? बिकॉज आई नो यू आर अ फूडी. मैं बहुत ही बड़ी गोलगप्पी थी जब मैं स्कूल में थी. दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू कॉल मी, सो दैट्स आई एम यूजिंग दैट टर्म गोलगप्पा. और मुझे बहुत बुली भी करते थे बिकॉज ऑफ माई वेट, लाइक दे यूज्ड टू कॉल मी बिग शो एंड दे यूज्ड टू कॉल मी ऑल दैट. या बट देन आई वाज लाइक उस टाइम ना मेरे अंदर क्या था कि मैं, मुझे पता था मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं टॉपर हूँ और तुम कुछ भी बोलते रहो मैं तो अपनी लाइफ अच्छी बना लूंगी. बट समवेयर इट स्टिक्स इनसाइड यू, बुलिंग डज स्टे फॉरएवर. आई नो, यू नो आई स्टिल हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ फेथ. कभी मतलब बुरा लगता था, उस टाइम बच्चे होते हैं ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता था नहीं. एंड देन आई स्टार्टेड डेटिंग समबडी, वो इतना गुड लुकिंग था, मुझे लगा अरे इसको मैं पसंद आ गई, यू नो दैट दैट थिंग दैट यू फील. एंड देन आई थिंक ही वाज दैट थिंग वेयर आई स्टार्टेड कि चलो मैं अपना ध्यान ज़्यादा रखूँ. अच्छा, देन आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड यू नो ही वाज दैट. ये कब की बात हो रही है? 8 9 10? नहीं नहीं, जब मैं 11th में थी. तो he was आई थॉट इसको तो मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी बिकॉज़ ही इज दिस गुड लुकिंग फुटबॉलर है ना. तो यू वेंट आल्सो फॉर द जॉक? या ऐसा नहीं, मतलब लाइक ये तो मैं नहीं गई, वो आया पीछे. तो आई वाज लाइक ये क्या, मतलब क्या हो गया, क्यों हो गया ये, आउट ऑफ द फ्रेंड जोन. और मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि वो ना वो था वो गोल्ड डिगर. नहीं 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 नहीं, वो जो जिनको पता होता है ये परख के कि ये तो ये बन जाएगी, यू नो एवोल्यूशन बहुत आगे की सोचने वाले व्यक्ति. तो पता था कि ये कुछ बन जाएगी तो हम इसको डेट करते. देखो हम लोग का एक नया सेगमेंट है प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट. अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके आंसर को आपने सही बताया एक क्वेश्चन के. तो इनसे मैं एक पिल्लो साइन कराऊंगा एंड में, वो आपको कमेंट में बताना रहेगा उसका आंसर, वो आपको मिल सकता है. अपने गाने चलाती हूँ, आई कैन ड्राइव एंड समटाइम्स आई टेक माई कार इन हैदराबाद ऑल्सो अलोन.
और मैं गाने सुनती हूँ, मैं एक घंटा घूम के वापस आ जाती हूँ. ORR ORR बेस्ट है. ORR बेस्ट है. कुछ टिप्स बताओ जो ORR पे लोगों को फॉलो करनी चाहिए. स्पीड लिमिट. स्पीड लिमिट इसलिए एक सेफ्टी तो है, वहाँ पे कैमरास भी होते हैं. नहीं नहीं, वहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है. नहीं, कई जगहों पर है यार, कई जगहों पर 120 है. 80 100 एंड 120 हो सकती है. तो स्पीड लिमिट फॉलो करना, ये एक बहुत बड़ी टिप. और कोई टिप? नहीं यार, बस स्पीड लिमिट फॉलो करो और ये बेल्ट पहन के रखो. सीट बेल्ट पीछे भी आगे भी हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखो. करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये जो गाने वाला सिलसिला है, ये आपका ही जिम्मा होता है? मतलब जिम्मा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं मतलब कहाँ गाने का, जो गाने चल रहे होते हैं. अच्छा हाँ, यदि आप रोड ट्रिप पे गई, अगर मैं अकेली हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने गाने सुनूंगी. तो आप ही सुनोगे. बट अगर इफ आई एम विद फ्रेंड्स देन ठीक है, वो भी जो चलाएंगे मैं सुन लूंगी. बिकॉज म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. आई डोंट केयर अबाउट कौन सी भाषा है जब तक म्यूजिक अच्छा है. बट आई कांट डू लाइक हेड बैंगिंग म्यूजिक, लाइक वो मेटालिक टाइप नहीं होता भैया, सर दर्द हो जाता है, वो नहीं चलता. बट थैंकफुली मेरे दोस्त भी सब नहीं सुनते. हां तो यार, आर यू शटलिंग बिटवीन हैदराबाद एंड मुंबई ऑफन? या वेरी वेरी ऑफन. तो अभी मैं चेन्नई में भी काम करती हूँ, मैं चेन्नई में भी होती हूँ, मैं दिल्ली में भी होती हूँ, माय ब्रदर स्टेज इन दिल्ली. समटाइम्स आई विजिट कोची, बिकॉज अगर कोई मलयालम का कुछ फिल्म करनी है तो वहाँ जाना पड़ता है. बट मोस्टली इट इज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद एंड चेन्नई. तो आप मुझे फ्लाइट में ही मिलती हूँ. मैं, मेरी मम्मी को लगता है मैं हवा में ही रहती हूँ, इसलिए ये तो बस बैग रेडी करके हवा में होती है. कब यहाँ होती है पर... और मेरा भाई और मेरे में भी ये गेम चलती है, मैं उसको फेस टाइम करती हूँ ना, वो बैकग्राउंड देखता है टू चेक विच सिटी आई एम इन, लाइक ही गेस ये तो अभी हैदराबाद में, ये नहीं तो अभी. अच्छा तू बॉम्बे आ गई, तू बॉम्बे. ड्राइव करके गई मुंबई से हैदराबाद? नहीं यार, आई लव टू ड्राइव बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हुई वो ट्राई करने की. मैं वैसी थकी रहती हूँ शूट करके, देन आई एम लाइक अभी ये इतना लंबा ड्राइव करके कौन जाएगा. प्रोडक्शन के फंडे सेगमेंट को खत्म करते हुए, SUV या सेडान? SUV. SUV ना, मजा आता है ना SUV. तो देखो इधर इतना ट्रैफिक है, स्टार्ट स्टॉप के लिए हमारे पास कैस्ट्रोल मैग्नेटिक प्रोटेक्टेड है. तो अभी हम आगे बढ़ते हुए जी, तो ये बताओ LSR पे कितना कट ऑफ हुआ करता था आपके टाइम पे? फिर मेरे टाइम पे आई थिंक मेरे कोर्स के लिए 91 था, तो मैं तो टॉपर थी, मेरा तो था. बेस्ट ऑफ 5 था तब? नहीं, बेस्ट ऑफ 4. बेस्ट ऑफ 4 था, बेस्ट ऑफ 4 92 था मेरा. और इंग्लिश में बिकॉज़ आई डिड इंग्लिश ऑनर्स, उसके लिए 89 प्लस था और मेरा 90 था इंग्लिश में, तो आई गॉट थ्रू इंग्लिश ऑनर्स. तो आपको IAS बनना था? हाँ. तो ये भी मैं आई थिंक मेरी लाइफ में ना बहुत सारे गाइडिंग फैक्टर्स थे, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया. हाँ जी. तो एक गाइडिंग फैक्टर मेरा भाई भी था, बिकॉज आई रिमेंबर क्लास 11th में वो मेरे पास आया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के साथ कि ये कॉलेजेस में तुझे जाना है. तो जब मैंने पढ़ा मैंने कहा LSR स्टीफन्स, मैं कहा ये इसमें तो कभी नहीं होगा मेरा. ही इज लाइक तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुमने वो अंडरसेल करती है. हां, एंड आई रियलाइज्ड आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट कि ये मेरी लाइफ में क्यों होगा या ये क्यों होगा. नहीं नहीं, अपनी गलती है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. सो देन IAS से मन छोड़ दिया था आपने या यू वर जस्ट लाइक The whole point of doing IAS for me at that point was, मुझे लगता था यार सब पॉलिटिक्स से भागते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था मुझे हमेशा से. तो मेरी टीचर भी सोचती थी कि यू नो सब सोचते हैं पॉलिटिक्स कचरा है, लेकिन जब तक हम नहीं जाएंगे उसमें, लाइक वी एज यंगस्टर्स विल नॉट गो टू क्लीन इट, वो ठीक होगा ही ऐसे अगर हम सब गालियाँ दे रहे हैं. तो मैं, वो मेरे दिल में लगी बात, मैंने कहा हाँ यार सब ऐसे बोलते हैं, चलो एटलीस्ट मैं IAS कर लूँगी, कहीं ना कहीं पर यू नो आई कैन डू राइट और आई कैन डू समथिंग फॉर पीपल इन द राइट वे. लेकिन ऑब्वियसली भगवान के कुछ अलग प्लान्स थे. एंड अब मैं सोचती हूँ, व्हेन आई लुक बैक एट इट, दैट टुडे आल्सो एज एन एक्टर यू हैव दैट पावर टू चेंज थिंग्स 100%. यू नो आप कुछ बोलोगे दैट हैज एन इफेक्ट. अब सोशल मीडिया की वजह से हम सब में पावर है, लोगों में पावर है. तो अब हम सही के लिए लड़ सकते हैं, हम सही चीजें कर सकते हैं. जरूरी नहीं है सब कुछ सोशल मीडिया पे ही करना होता है, बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर पीपल व्हेन यू आर एन एक्टर. आई डोंट नो, इवेंचुअली शायद मे बी आई जॉइन पॉलिटिक्स, आई डोंट नो. आई मीन दैट्स ऑलवेज ओपन. अगर मुझे लगेगा कि मुझे you know aur zyada logon ke liye through this if I'm able to help more people why not. Yeah, so that choice is always there. Aap log do ladkiyan thi yaar Mumbai mein, aapko koi challenges face hue? Because party nahi karte the. Nahi dekhiye, hum bilkul party mein interested hi nahi the. Parties, wow. We were never interested. We were very similar people. We are both I mean Vani bhi introverted hai, main bhi introverted hu, like itni jaldi friendship nahi karte. House party wagaire bhi nahi, kuch nahi. तो वी वर ऑलवेज लाइक, वी वर ऑलवेज वॉचिंग शोज एट दैट टाइम. उस टाइम डेक्स्टर था और ये सब था, तो डेक्स्टर देखते रहते थे पूरा दिन, खाते रहते थे, जिम जाते थे. वी आल्सो वी वर वेरी फोकस्ड. तो हमें लगता था ये सब नहीं करना, मतलब इसमें अगर दिमाग चला गया या बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे लोगों से या यू नो तो हमें काम मिलेगा. हम अपने आप को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं एज पीपल. ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है.
हो सकता है एक काम मिल जाए या दो काम मिल जाए, बट यू विल सस्टेन ओनली थ्रू योर टैलेंट, दैट इज फॉर श्योर. सो इफ यू आर मोर फोकस्ड एट योर जॉब, दैट इज वेयर योर फोकस शुड बी, स्पेशली इन योर अर्ली इयर्स. और मुझे लगता है, मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है कि आपका जो संगत है वो बहुत मैटर करती है. हां भाई, एवरेज ऑफ 5 पीपल. अगर हां, मतलब जो आपके आसपास है, दे विल डिसाइड द फ्यूचर फॉर यू. तो मेरे आसपास हमेशा बहुत मेहनती लोग थे और बहुत फोकस्ड लोग थे. मानी ऐसी थी, मैं भी ऐसी थी, तो वी ऑलवेज फोकस्ड के नहीं, हमको जिम जाना है, हमको ये करना है, हमको एक्टिंग सीखनी है, हमको समझना है कि कैसे करते हैं. तो वी वुड समटाइम्स एंड अप डूइंग सीन्स आल्सो टुगेदर, कि अरे देख ये कितना मुश्किल सीन है, अगर हम करते तो हम कैसे करते. तो यू नो, वी वुड जस्ट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी ग्रू. एंड हमारे लिए बहुत जल्दी हमें फिल्में भी मिल गई, जो हमें लगता था इतना आसान नहीं होता बॉम्बे में आना, बॉम्बे में होके ऐसा मिलना, स्पेशली विदाउट एनी बैकग्राउंड. सही बोल रहे हैं. बट देन वी वैल्यूड इट इवन मोर, कि अभी ये मिला है, अब इसमें जान डाल दो. करेक्ट. कुछ कहानियां स्ट्रगल वगैरह की ट्रेन वेन लेके जाने की? जी ऑफ कोर्स. देखिए, वो मुझे स्ट्रगल लगता ही नहीं है, बिकॉज मैं तो कॉलेज में जाती थी, बस में जाती थी. प्रिपरेशन. तो हां, तो आई नेवर रिक्शों में घूमती थी, मैं पैदल घूमती थी, मैं ऑटो में जाती. मैं अभी भी आजकल बॉम्बे में कभी भी ऑटो ले लेती हूँ. हाँ, आई टेक एन ऑटो समटाइम्स. मास्क पहना होता, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है. भाई, मुंबई के रिक्शा वालों को सलाम जब वो लेके जाए आपको. हम नहीं लेके जाए तो भाई आपको पता ही है. बट नहीं, बट आई थिंक ये सब मेरे दिमाग में नहीं है कि दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज जस्ट लिविंग योर लाइफ. आई मीन, आई डोंट थिंक दिस इज स्ट्रगल. अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, ट्रेन में भी मुझे याद है, मैं एक बार ही थी बॉम्बे की ट्रेन में, इतने लोग होते हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस था. और वहां पे एक लेडी थी, एंड she literally pushed me and then she told me agar dhakka nahi maregi na bahar nahi niklegi. maine kaha oh, to I was like oh aisa bhi, because mujhe ye aapki divine intervention. I was like main dhakka kaise maru kisi ko, like you know, it just doesn't feel right to me ki main kisi ko dhakke maar. Aur wo lady apne aap ko bhi, mere ko bhi usne usko laga iske bas ka tha nahi mujhe isko dhakke maar. kahan ja rahi thi ya kahan se aa rahi thi? actually main satsang mein jaati thi. acha, ek jagah pe, matlab wo har jagah hote the satsang, but we would travel in trains jab specifically thoda out of Bombay hota tha, okay, ya thoda outskirts mein hota tha ji. to ab aap jaate ho to you know you figure your way out when you're young. to pehla experience mein mere sath ye hua aur mujhe samajh aa gayi. maine kaha haan yaar, matlab ab dhakke maarne padenge, abhi kuch nahi kar sakte. nischit roop se bhai, ki khane ki jagah batao, aapki kaun si favorite? dekho, mujhe na, maine bahut sari explore nahi kari hai, to be very honest. mostly zomato type aap ghar pe manga lete ho stuff, but I like thai food, mujhe pasand hai. to thai pavilion mujhe bahut acha lagta hai. kahan hai ye? south bombay mein thai pavilion. oh yeah. Yeah, but I also like this place called Bombay Salad Company. I love Bombay Salad Company. They have amazing salads and amazing juices and like healthy stuff. That's where I'm going next. Haan. Where is it? In Bandra only? Haan, Bandra mein. We can go to Bombay Salad Company also. We don't have to do Amar Juice Center. We can eat healthy also with you. Haan. Haan, chalo. Haan, because like, I'm more than happy meri diet ka bandra daal nahi hoga. I'm just like, chalo, chalo. बॉम्बे सैलेड चलते हैं. बट आई ऑल्सो, जब मैं दिल्ली में पली बड़ी थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चाट और चांदनी चौक में मोस्टली मैं, मेरी मामी है, उनको बहुत पसंद होता है. आपकी मामी चांदनी चौक में रहती है? नहीं, वो रहती नॉर्थ दिल्ली में ही है, घंटाघर के पास. लेकिन चांदनी चौक में वो हमें हमेशा ले जाती थी, गुलगप्पे खिलाती थी और टिक्की खिलाती थी. वो नाम नहीं याद मुझे, बट चांदनी चौक की गलियों में. हाँ, रेड़ियाँ होती है ना मोस्टली, और हमारे घर के आसपास भी रेड़ियाँ होती थी. वो चने और कुलचे मिलते थे वहाँ पे, तो हम वो खाने जाते थे. यार वो तो कहीं के भी अच्छे होते हैं. दिल्ली की बात करी है यहाँ पे? नहीं, बट दिल्ली हैज द बेस्ट गोलगप्पास एंड भेलपुड़ीज एंड एवरीथिंग. वो तो बेस्ट दिल्ली में ही है भाई. सबसे अच्छा स्ट्रीट चाट दही बल्ले और वो टिक्की में दही और पता नहीं क्या. और एक हमारे यहाँ रेडी होती थी, वहाँ पे वो बर्गर फ्राई करके बनाता था, 5 रुपए का, मुझे याद है इतना सा. यार इसके बारे में मैंने सुना है, बचपन में कौन सोचता है ये सब. बचपन में तो हम खाते हैं, आजकल के बच्चे शायद सोचते होंगे, बट उस टाइम तो हम कुछ नहीं सोचते थे. मुंबई के स्लैंग आपके कोई फेवरेट? मुंबई के तो मुझे ज्यादा पता नहीं, स्लैंग में क्या गालियां देते हैं. ए भाई, लोग इधर आओ रे, जरा नया कोई शब्द सिखाओ ना मेरे को आज. बहुत दिन हो गए तुम लोग नया शब्द नहीं सिखाए. रुको, हमारे वहाँ सुन रही है पब्लिक. पब्लिक, पाचड़. आप सब सुन रहे हो? हाँ, पाचड़ का अर्थ क्या होता है? पाचड़ बोले तो फालतू. फालतू पाचड़ बोले तो फालतू. पाचड़ मूवी है. ओह वाओ, आई लव इट. पाचड़ मूवी है. इसने ही मेरे को सिखाया रिमटा के. मेरे को बोलते हैं, मैंने बोला कितनी देर में ऑफिस पहुंच रहा, बोलते रिमटा के आ रहा. रिमटा के इज लाइक निपटा के आ रहा. नहीं, फटाफट आ रहा है. ओह, रिमटा के. आई लाइक पाचड़. पाचड़ मूवी है. नया वर्ड सीख ले बाबा लोग अपन ने आज. तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हफ्ते हफ्ता तो इजी. मुंबई का कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड? मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने वड़ा पाव ऑब्वियसली बॉम्बे में खाया. हाँ. जब मैं शूट्स पे जाती थी एज अ मॉडल, तो वहाँ पे वड़ा पाव खाती थी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है. एंड इट्स अ वेरी कैजुअल, यू नो, लाइक सब
ऊपर वो डालते हैं सेव क्या बोलते हैं वो कुछ तो ऊपर नमकीन टाइप होता है उसके ऊपर नींबू डालते हैं तो मैंने मम्मी को बताया मैं मम्मी वहाँ पोहा बड़े अलग तरीके से बनता है बॉम्बे में यू नो दैट्स अ डिफरेंट नाइस टेस्ट दैट आई हैव अर्ली मेमोरीज ऑफ वो पोहे की और वड़ा पाव की मोस्टली सही है यार मुझे आपका शायद इंटरव्यू लेना होगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया आपने कब शुरू किया उसके लिए आपको शायद फिर से मेरे साथ बॉम्बे जर्नी करनी पड़ेगी शुड बी प्रॉब्ली बी अबाउट यू बिकॉज़ आई एम श्योर पीपल वांट टू नो अबाउट यू आल्सो यार हमने बहुत ऑप्शंस दे दिए देखो लोगों को कमेंट देने के लिए हैदराबाद है एक प्रोटेक्शन के फंड है और एक राशि खन्ना इंटरव्यूइंग मी माय गॉड व्हाट अ ऑनर थैंक यू सो मच दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से बिकॉज़ यू नो सी ऑल ऑफ अस एक्टर्स को लोग बहुत प्यार देते हैं लेकिन आई फील अ लॉट ऑफ यू गाइस आल्सो हैव वर्कड सो हार्ड टू बी where you are today, na? Yeah. You worked, you thought of something, ke abhi ye karte hain, you know, make it work. And I know how difficult it is in a city like Bombay to even meet your ends. Or everything is like an experiment, like, it chalega, nahi chalega, abhi kya hoga, abhi kya. So I completely get it. That's why even wherever you reach in life, everyone is an inspiration. I try to find inspiration in every You had a massive transformation for your character once, no? For Supreme, no? Actually, Supreme ke liye nahi tha. Supreme mein to cop tha, to I was a little on the chubbier side only. Okay. And people liked me then there also. But I think for myself, I was like, abhi thoda change karte hain, nahi to wahi same dikh rahe hain. Same kya karenge? So I think I started putting more effort into losing weight. Okay. And yeah, I mean, then there was a film I did called Toli Prema where it was required. Because, hello. Haan. Toli Prema, for those who don't know, is a rager. Toli Prema was a vibe. Rage. Yeah. Toli Prema के लिए लोग पागल हो गए थे. Really? Yeah. I mean, I know that it did well, but इतना मतलब इतना सीन है मुझे. No, your love story was cute in the film, and they really liked that, and the chemistry worked, and then. And they wanted me to look 17. So 17, 18 के obviously you have to lose a lot of weight for it. So मैं और वरुण दोनों ही massive diets पे थे. दोनों ही जिम जाते थे पागलों की तरह जिम करते थे कि हाय हाय यू हैव टू मैच अप लाइक यू हैव टू लुक डिफरेंट एंड ऑल लाइक कॉलेज किड्स यस या सो आई वाज लाइक ठीक है आई मीन दिस इज अ गुड चैलेंज तो आई थिंक दैट्स वेयर माय ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली स्टार्टेड मेजरली या नो आई एम श्योर दो रवि तेजा गारू का दो फिल्में की है ना आपने जी सो दोस वर बंगाल टाइगर एंड टच से जुड़ या That must have been massive, no? Like, you have one of the biggest stars of the Telugu. Yeah, I think Tachesi Chudu wasn't as big a hit. But I think Bengal Tiger did well. I think Bengal Tiger was also seen a lot in the Hindi world. अरे हमने आपकी रवि तेजा की फिल्म देखी ऐसे बोलते हैं मैं क्या नाम है उसका हिंदी वाला पता नहीं अजीब अजीब नाम होते हैं एंड देन दे कम टू मी एंड दे लाइक हमने सन ऑफ सत्यमूर्ति 2 देखी मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है देन आई रियलाइज्ड आई थिंक सम अदर फिल्म ऑफ माइन आई थिंक सुप्रीम है पता नहीं क्या उसका नाम ऐसा करके डब क्या बना दिया ओह वाओ आज ये क्या बन गया आई एम श्योर वन ऑफ योर फैंस विल बी नाइस इनफ टू टेल अस योर तेलुगु नेम्स एंड देयर हिंदी डब नेम्स इट्स अमेजिंग हाउ मच पीपल कैन गो इनटू डिटेल अबाउट यू आई एम सो अमेज्ड ऑल द टाइम बिकॉज़ समटाइम्स फैंस get those old pictures of you yeah. या फिर आपने ये बोला था और you know they'll remember it I'm like मुझे याद नहीं रहता and then I'm like this is so amazing that's the best part about being an actor like people give you so much love and you're like यार गालियाँ भी मिलती हैं but I focus on the प्यार so I'm like ये तो कितना प्यार दे दिया भाई ये तो am I even worth it sometimes you feel that you know यार मेरे को ना Harry Potter के दौरान याद है and that's the insight where this comes from that kissing on screen is very difficult It makes me very uncomfortable on screen because I know ठीक है character में कर रही हूँ वो हूँ तो मैं ही हाँ तो थोड़ा uneasy होता है even शायद I'll tell you I was very uneasy because it is difficult not to make it look good yeah I mean but ठीक है we are actors we have to do it and you know that only if it is necessary ठीक है चलो कर लेंगे because Fair. these characters are in love but as a person थोड़ा लगता है यार थोड़ा हाँ तब थोड़ा ऑफ तो लगता ही है यार आई डोंट थिंक एनी एक्टर विल से हां आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट या एंड प्लस स्क्रीन पे 10 लोग आपको बोल रहे हैं इमरान हाशमी मे बी ही इज गॉड और यू से दे विल से लेफ्ट में मूव करो और राइट में एंड यू आर लाइक अरे भाई ये वो इतना टेक्निकल होता है कि आपको लगता ही नहीं है कभी-कभी तो ये यू नो दैट इट्स एक्चुअली अ किसिंग सीन ये आपके बर्थमार्क क्या सॉरी नाउ इट सीम्स लाइक अ बर्थमार्क के बारे में हमने बात की थी इसके बारे में बताओ क्या हुआ था मुझे याद है जब मैं आई थी तो लोगों ने बोला था अरे ये क्या है इसको हटवा दो मैं कहा क्यों हटवा दूं भाई मेरी चोट है मेरा माथा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है लाइक यू नो आई लाइक कोई भी मुझे बोलता ना अरे ये प्रॉब्लम है यार मैंने कहा भाई तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आई डोंट थिंक आई कैन एवर गेट आई डोंट थिंक आई कैन गेट इनसिक्योर एट ऑल अबाउट द वे आई लुक बिकॉज़ आई थिंक
हम सब अच्छे हैं यार, लाइक गॉड हैज मेड अस द वे दैट ही हैज मेड अस. ठीक है, फॉर सम पीपल इफ दे फील लाइक दे वांट टू चेंज सम थिंग्स, ठीक है, बट यू शुड नेवर मेक एनीवन फील इनसिक्योर कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन यू. उन्हें लग रहा है उनको करना है, उनकी चॉइस है, आपको आप बोलते रहते ये करा लो वो करा लो. बट आई रिमेंबर दे सेड ये हटा, मैंने कहा नहीं, दिस इज हु आई एम, दिस इज पार्ट ऑफ मी, इट कम्स विद मी, आई एम नॉट चेंजिंग इट. वेरी गुड. बट ये माथे पे मुझे लगा था बचपन की चोट है, मैं सीढ़ी पे गिर गई थी, माथा फूट गया, हां तो चोट लग गई. या बचपन में बहुत घुटनों में भी चोटें लगी है मेरे, हमेशा डॉक्टर को पता होता था अरे आ गई घुटने चलवा के. खेलती कूदती रहती थी बड़ा? थी मैं अच्छा? बहुत खेलती थी बचपन. क्या खेलती थी यार? मिट्टियों में हम स्टापू खेलते थे बहुत. हम लोग कंचों से खेलते थे. क्या बात. हम हमेशा शाम को 5 to 7 आई यूज्ड टू बी आउट प्लेइंग इन द मड विद दीस गर्ल्स फ्रॉम द पूरी कॉलोनी में, सब साथ में आते थे, मिलते थे. आई डोंट थिंक अब वो होता है यार. अच्छा टाइम है, अगर आप चाहो तो हमें सिंगिंग करके दिखा सकते हो. यार कुछ कुछ होता है, जो बच्ची नहीं होती. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर. मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर. रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा करते बिना मुश्किल है जीना मेरा. मेरे दिल भर जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में. मतलब मैं दिल से गाती हूँ, बट नेसेसरीली मैं इतना अच्छा प्लीज नहीं यार. ये दर्द था यार. थैंक्स ब्रो. वाओ. I like everything, so I'm just gonna see what I feel like having. Are you a mango person? I love mango. What do you have? Wow, we have mango special, yo. Okay, I'll have the mango and chicken salad. I'll have the mango and burrata salad. Oh, I'm so glad he knows my name. Yes. A lot of places, I don't know if they'll know me. I wanted to say that you're looking more pretty and personal. Oh, yeah. Thank you. I hope your mic will catch that. I hope your mic will get it. Mic will get it. यार तो आप सिंगिंग जब प्रोफेशनली करने लग गई तो कितना प्रेशर था? बिकॉज नहीं देखो द थिंग इज आधी चीजें यू कैन जस्ट डू इफ यू डोंट टेक प्रेशर ऑन योरसेल्फ, स्पेशली इन एक्टिंग एंड सिंग. वो ऑर्गेनिकली तभी आती है जब आप प्रेशर नहीं लेते. अगर आप प्रेशर लेते हो, जैसे मैं अभी थोड़ा ले रही थी गाड़ी में, तो इधर उधर हो जाता है. जब सडनली कोई आपको कुछ करने के लिए बोलता है, जैसे कि हमने आपको moved into a salad like situation while interviewing. It's fine. Luckily, auto-tune ऐसा नहीं sound करता. अगर आप लोग जाके सुनेंगे इनके गाने, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी आवाज़ है. हाँ, वो आपकी आवाज़ है. मैंने 15 minutes में पूरा song rap कर दिया था. Wow. तेलुगू वाला specific. अरे अच्छा ये ले देख, चाहे ठीक है. 15 minutes है ना, I had a flight to catch. I said हो गया मेरा, अब ये देख लो, हो गया तुम्हारे लिए ठीक है. मेरा जो एडिटर है, जो जय मेहता, ये देखेगा, वो एक बार में 4 आम खाता है. वो एट वन वो ईट्स 4 आम्स. आई एम लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ इज दिस. मतलब उसको पसंद होगा, बट 4 इज अ लॉट टू डाइजेस्ट. हैव यू ट्राइड लंगड़ा? हां, लंगड़ा भी खाया. क्या सस्ता और मीठा है भाई वो आइटम. एक चूसा आम भी आता है. हां, अब आएगा ना बारिश में, आएगा ना वो चूसने वाला, मेरा फेवरेट है. मेरी मम्मा का भी सब गिर जाता है यार उसमें. इट्स अ लिटिल मेसी. वेरी
बताओ भाई योद्धा में आ रही हो आप, धर्मा की पिक्चर है, टिक बॉक्स आ गया? नहीं, आई मीन टिक बॉक्स में भी जैसे आई हैव ऑलवेज सेड दैट मेरा कभी आई हैव ऑलवेज अंडरसोल्ड माय सेल्फ एंड आई ट्राई नॉट टू. हां, बट जब आप बाहर से आते हो ना तो आपको लगता है कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती. आई मीन मैं शायद मैंने कभी इतना ऊपर सोचा ही नहीं, तो अब मैं सोचना बंद हो गई बेसिकली, बिकॉज जो भी मैंने सोचा उससे ऊपर ही मिला है, तो फिर सोचने की क्या जरूरत है, मेरी सोच ही छोटी है. कम वाला मेरा है, ज्यादा वाला इनका. हां हां, ये लो आपका. इसकी तो मैं रेसिपी ले जाऊं इनसे. सो आई रियलाइज्ड जब मुझे कॉल आई तो मुझे लगा ये ऑफर कर रहे हैं. आप आगे रख लो, मैं बीच रख लेता हूं. मतलब ये ऑफर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? मतलब क्विज कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं. जैसे ऑफर कर रहे हैं धर्मा के बीच में, तो आई सेड ऑफ कोर्स आई विल नेवर से नो टू इट. और आई सेड अच्छा एटलीस्ट स्क्रिप्ट में बता दो कि क्या है सीन. दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर आल्सो, सो आई वाज लाइक दिस इज अ डबल वैमी. आई सॉ दैट योर कमेंट ऑन इट वाज लाइक रियली कूल. क्या दिया? इट्स नॉट जस्ट लाइक अ, या इट्स नॉट अ टिपिकल हीरोइन थिंग दैट यू सी, बिकॉज़ धर्मा फिल्म्स आर लाइक ऑल ग्रैंडियर एंड ऑल लाइक अमेजिंग स्टफ. या and it is glamour, but it's not as glamorous because it's based on a story, it's story based and character based. So that was also one really nice thing for me, because I was like chalo at least Dharma heroine bani to is way mein bhi bani, you know. Kudos, so bro. I remember jis din mujhe script mili thi, and you know you see the Dharma symbol on it, and I'm just looking at it, and I was sitting with a friend, and I was like dude this is happening, and he's like yeah is that ye aap apne fan se jin pe aap fan girl karte the unse mil liye fir SRK, Mahesh Babu or Mahesh sir, I met. Yeah, I met Mahesh sir and Namrata ma'am, and they hosted me in their house once. Oh wow! It was so nice, and they're such a cute couple. It's unbelievable. They're so much in love, and you're like, oh. But they're really nice. Yeah. And so they were very warm. They were very nice. I met them, and I was like, oh, this is amazing. And then I've never seen Shah Rukh sir. I never met him. I remember sitting here at the reception, I was waiting for them to come. I thought maybe he'll come, maybe he'll come, and I stayed longer. I was like, are they coming? I sleep early, I wake up early. That night I was just like, up, because I was like, I just have to meet him. I said, but why not? How difficult or easy is Vijay sir to work with? Vijay Sethupathi? Extremely easy. Really? Did you all not discuss like your foodie bits? He's a foodie full on. Yeah. And I was constantly on a diet when I was shooting, because I was like, pants and shorts, and I was like, I have to make sure that I look my best in this. So I was on a diet, and he would ask me, "Are itta sa khati hai?" I said, "Sir, karna padta hai thoda." But he loves food, and have you not seen his reel where he talks about food? Yeah, I have. It's crazy. A lot of people will relate to it also, I feel. No, me. Ke jeena to khana to hai. But I remember I took him to the gym while we were doing Farzi. I said, "Sir, you use my trainer. You're coming." Like Rashi, I said, "Sir, you're coming." I took him and he very sweetly came also. He was very shy. He's like, "Itna acha karti hai, you know." Main side mein, maine kaha, "Sir, aap kyun itna soch rahe ho? You know, I just want you to be the best that you can be, and you can do this." So maine apna trainer laga diya tha unke upar. You had some action in Farzi, no? Very less, yeah. Then I told him, I said, "You have to give me a gun next time." That's right. So I'm a good driver, and I remember usme एक कोई इंसान थे, उनको फॉर्चुनर चलानी थी पार्किंग लॉट में, एंड ही वाज नॉट एबल टू डू दैट. आई सेड, "राज सर, जस्ट गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आई विल ड्राइव इट." ही सेड, "आर यू श्योर?" आई सेड, "यस सर." एंड देयर वाज सिक्स लाइक दिस थिंग, एंड आई ड्रोव इट लाइक अ प्रो, एंड ही इज लाइक, "ओ माय गॉड, वी हैव टू गिव यू लाइक अ एक्शन सीक्वेंस." आई सेड, "सर, आई कैन सिंगल ड्राइव, डबल ड्राइव, एनीथिंग." एंड आई हैव डन सुप्रीम में, देयर वाज अ, एंड इनफैक्ट साइदरम तेज इज माय कोस्टा, ही सेड, "द ओनली गर्ल आई ट्रस्ट हु कैन ड्राइव मी इज राजी खन्ना, बिकॉज you know, because when I was driving, he was very safe, because we were doing an action sequence in a moving car, and he had to get out and he had to fight the goons. So imagine if main thoda sa bhi idhar udhar karunga, mar jayega. So I was like, "You can trust me," and we did that. So I was like, and then I told Ranjit, because I said, "Sir, you've seen, know how I drive, I'll do action also that nicely only, just give me an opportunity, that's all." You know, two drivers cannot sit in the front. Yeah. Like me and my father, you never sit. Hum hamesha ladne lag jate hain, and I'm like, "Papa, ab kya kar rahe hain?" He's like, "Tu chup rahe na." I'm like, "Tu kya kar rahi hai?" I'm like, "Aap chup rahe ho," you know. तो कहाँ आप स्पेन बड़ी जाती हो, मैंने सुना स्पेन बड़ा जाती हूँ. नहीं, स्पेन इज वन ऑफ द फर्स्ट वेरी नाइस मेमोरीज आई हैव विद माय मॉम. ओह वाओ. सो आई वेंट विद हर एंड फॉर अ शूट. तो हम लोग साउथ स्पेन में गए थे, अल्मीरिया एंड दोस प्लेसेस. ब्यूटीफुल साउथ स्पेन इज, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड आई लव द फूड देयर, एंड आई हैड सम आइसक्रीम. ओह माय गॉड, अमेजिंग. व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डू यू गेट, लाइक दैट्स नाइस. सो एट दैट टाइम आई वाज ईटिंग नॉनवेज. हां, दोस टाइम आई हैड फिश देयर एंड एवरीथिंग. ओह शिट, यू क्विट नॉनवेज? या फुल्ली, या
I mean, the only thing I take now is egg because I have to for protein for workouts. Because my trainer was like, "Bhendi, आपको अगर weight lose करना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा." हाँ. वो भी मैं रो रो के I eat egg, but yeah, I eat egg. Left. हाँ. Right lane है अपने लंबा काट रहे हो. हाँ हाँ. यही problem होती है जो. Driver. के लंबा के अरे यहाँ पे actually these auto rickshaw guys ना sometimes they just see they cut you. Are you a Gundi driver? Go for it. क्या बात है बेटा. I'm just asking. ऐसा हैदराबाद में जरूरत पड़ती नहीं है गुंडी ड्राइवर बनने की because there's a lot of space and they're not too many. The side that you live in is has a lot of space, so you're lucky. पता नहीं यार, I think sometimes traffic makes people very irritable and frustrated. I remember एक बार बहुत ही जाम था या something, and I was just smiling over. I don't know, I was just so I meditate, no, so I smile randomly. I just हंसती रहूँगी. तो बंदा मुझे देख रहा है, ये पागल है इतना, मतलब ये क्या हंस रही है, like you know. Fuck, really? Yeah, I mean, it's very difficult for you to make me angry or... like, I don't depend on outside sources for my feelings. Yahi hai. Achha, Paps ko pata chal gaya, aap aa gaye. Ye Paps aa gaye hai, bhai, bhai, main gaadi chala rahi hoon. Ye kya ho raha hai? Main bhi lagi to gaadi chala ke aa rahi hai, madam. Haan. Ye kya hua? So, yaar, main toh bulaya bhi nahi hai, yaar. Kabhi kabhi toh bulana padta hai, wale se. Nahi, yaar, kya zarurat hai? Waisi har jagah dikhte hain. देखिए आप लोग को पता ही है क्या चार कमेंट्स करने हैं, एक हैदराबाद वाला, एक मेरे इंटरव्यू वाला और प्रोटेक्शन के फंडे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो बताएंगे तो ये साइन करेंगे, तो आप ये साइन करते करते ये मैं बताती, चलो ठीक है, ठीक है, ये लो. क्या बोलना यार, लोग पूछ रहे हैं, नूतानी इज लॉस्ट पूछता है, व्हाट्स द बेस्ट मूवी यू एवर सॉ? द बेस्ट मूवी आई एवर सॉ बहुत है यार, बट आई थिंक रंग दे बसंती. आई लव्ड रंग दे बसंती. या Where were you during 2611 and what is your attitude towards Mumbai's rise? Attitude towards Mumbai's rise? Like Mumbai as a, like the zeal that it has. See, Diwali, I love the fact that every city has its own vibe. Ab jaise main pura Indian feel karti hu, to koi bhi city aage badhegi to I feel amazing. Yeah. Be it Bombay, be it Hyderabad, be it Delhi or any place. But I love the vibe of the city and it's great that it's rising and it should only rise. Yeah, especially I think the question was more around jab itte terror attacks hue to it main just sprung back. Haan. I think that's the spirit of the people here, of the place, that they get back to things. And मैं उस time यहाँ नहीं थी, मैं तो दिल्ली में थी. कैसे लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा. मजा आया? बहुत अलग था. अलग था ना? I remember you were a hugger, so thank you so much for being on the journey.